गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रचार को लेकर बीजेपी और कांग्रेस जी जान से जुटी हैं। वोटरों को रिझाने के लिए दोनों ही पार्टियां तरह तरह के वादे कर रही हैं। लेकिन क्या है गुजरात की जनता का मूड, जानने की कोशिश की गोन्यू संवाददाता रमन ममगई ने। आपका क्या नाम है सर? अब्दुल कादिर। कादिर भाई कहाँ से आए? मैं गिर सोमनाथ से। गिर सोमनाथ से, तो यहाँ कैसे? यहाँ बस एक रिश्तेदार के उधर आए थे, तो देख ले कांग्रेस को उनकी मुलाकात कर ले, इसलिए निकले हुए गुजर हुए थे, कुछ सामान लेके जा रहे हैं कांग्रेस। अच्छा, मुद्दे क्या है इस चुनाव में यहाँ? किस चीज़ को लेके लोग परेशान हैं, किस चीज़ को लेके खुश है? कुछ तो अभी सोचना पड़ेगा खुश के लिए, लेकिन मुद्दे तो बहुत सारे हैं। बोलने से देखो, जीएसटी है, नोटबंदी है, विकास विकास कर रहे हैं, जो विकास तो पता नहीं किसका होगा, पॉलिटिक्स का होता है, कांग्रेस होता है, बीजेपी होता है, लेकिन जो भ्रष्ट होता है, भ्रष्ट आचार, सब जगह करप्शन है। अभी करप्शन बगैर किधर भी गवर्नमेंट सेक्टर में जाओ, करप्शन खत्म ही नहीं होता। आप काम क्या करते हैं सर? मैं व्यापार करता हूँ। किस चीज़ का? मैं सॉफ्ट ड्रिंक्स का। सॉफ्ट ड्रिंक्स का, उसका भी परेशानी है? परेशानी सब जगह है, किसको नहीं है। बड़े लोग को ज़्यादा परेशानी किधर होती है? बीच में तो आते हैं नॉर्मल लोग आते हैं ना, जो मिडिल क्लास के, वही परेशानी है ना। सारी जीएसटी क्या है, व्यापारी लोग लगा देंगे जीएसटी। नहीं, हमें तो कहते हैं जो हम बाकी राज्यों में कि भैया गुजरात में तो विकास ही विकास है, सड़कें चमचमाती हैं, बिजली नहीं जाती, पानी है, सब कुछ है। पानी तो पता नहीं, मेरे को बिजली का भी पता नहीं है, लेकिन रास्ते आप खुद जाओ देखो, पूरे गुजरात में घूमो, कहाँ कहाँ विकास हुआ है, आप खुद को पता चल जाएगा। खाली एक इधर बस रिवर फंड लेके पूरे गुजरात को, पूरी दुनिया में मोदी जी दिखा रहे हैं कि हमारा विकास हो गया। मैं चाय बेचता था, चाय पता नहीं कब बेचते थे, मेरे तो मेरी अभी मैं 30 साल का हूँ, पता नहीं, मैंने नहीं देखा कभी कि मोदी जी ने चाय बेचा। बेचने वाले तो परेशान है। हाँ, सब परेशान है, परेशान बहुत है। अरे, जो नए लोग आए हैं, हार्दिक पटेल है, जिग्नेश है, अल्पेश है, इन लोगों से लगता है कि राजनीति बदलेगी, कुछ फर्क पड़ेगा? राजनीति बदलेगी नहीं, वो एक्चुअली वो लोग पूरे अपने समाज के लिए, आज तक जो भी कोई आवाज़ नहीं उठा सकता था, लेकिन ये अभी 3 लोग आए जो गुजरात में, ये पाटीदार है, राठौड़ है, फिर ये ठाकुर समाज है, फिर ये अपने जिग्नेश मेवाड़ी जो दलित समाज से, उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा भी है, और उन लोग का जरूरत हक है उनके ऊपर, जो मतलब अभी लास्ट टाइम दलितों के ऊपर जो अत्याचार हुआ, जो पाटीदारों के ऊपर जो अटैक हुआ, 14 शहीद हो गए, ये सारे उनके बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। अपने काम के लिए निकले थे, लेकिन सरकार क्या है ये तो सामने। अच्छा लगता होगा कि आपके जो मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री, तब तो सीना आपका भी चौड़ा होता होगा। हाँ, नहीं नहीं, वैसा तो कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री तो जो भी है, मतलब देश ने चुना है तो लाजिम हमारा प्रधानमंत्री है, लेकिन आगे भी बस वो जो बड़ी बड़ी बातें जो भी फेंकता है, मतलब सबको पता है कौन फेंकता है, मतलब अभी इंडिया में कितना मतलब एजुकेटेड, अभी गुजरात की पब्लिक भी जानती है, लेकिन यहाँ तो बस आगे पीछे पॉलिटिक्स होता है, पैसा देता है, अभी इधर बीजेपी में से कांग्रेस में, कांग्रेस में से बीजेपी, तो तीसरा कुछ नहीं है। विकास तो पब्लिक ही मरती है। ये लोग अभी इलेक्शन के टाइम पे आएंगे, 2 दिन घूमेंगे, 2 दिन ये बड़ी बड़ी बातें करेंगे, गाठिया जलेबी खिलाएंगे सबको, फिर वही 5 साल के लिए हम लोग को उसको झेलना है बस। ये जलेबी बहुत परेशान करती है, वो जलेबी बहुत राउंड वाली है, जलेबी राउंड है, उसका पता ही नहीं चलता, गोल गोल सब घुमाते हैं। शुक्रिया। ओके, थैंक यू सर।